2019 के लिए जो डिप्यूटेशन पर जो गवर्नमेंट का स्टाफ जाता है, कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट हज ऑफिसर और हज असिस्टेंट के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। ये सारे फॉर्म्स हमारे डिटेल फॉर्म के साथ साथ जुमला तफसीलात सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया के साइट पर भी है, या आप तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के साइट पर भी क्लिक करके उसको हम लोग डायरेक्ट लिंक किए उस पर भी जा सकते, सारे डिटेल्स जो है उस पर मिल जाएंगे अप्लाई करने के। और ये सारा का सारा ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसके बाद हार्ड कापी उसकी सबमिट करना है। इसमें मुस्लिम एम्प्लॉय चाहिए डिप्यूटेशन के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जो मुलाजिम है वो एम्प्लॉय सप्लाई कर सकते हैं, ये एचओ के लिए और एचओ के लिए हज असिस्टेंट के लिए। और द एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेंट है उनकी उम्र जो है 30 साल से 55 साल के अंदर होनी चाहिए, और वो 1 जनवरी 2019 तक उनकी उम्र 55 साल क्रॉस नहीं होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। और ये जो वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का www.hajcommittee.gov.in पर जाकर आप सारे तफसीलात इसके मालूम कर सकते हैं। ये जो डिप्यूटेशन पीरियड रहेगा वो 2 महीने से 3 महीने तक रहेगा। जो भी दरख्वास्त ऑनलाइन करने के बाद उसकी हार्ड कापी अंडर सेक्रेटरी हज डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स न्यू दिल्ली को रवाना करना है, और ये अप्लाई करने की आखिरी तारीख 24 जनवरी 2019 से ऑनलाइन करने की, और जो हार्ड कापी जो माइनॉरिटी अफेयर्स में दाखिल करना है उसकी जो तारीख है वो 10 फरवरी 2019 है। उसी तरीके से पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में भी, डिप्यूटेशन के बारे में जो डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है वो कौंसलेट जनरल जिद्दा की जानिब से इनको डिप्यूटेशन किया जाता है, उसके लिए भी नोटिफिकेशन आ चुका है। उसमें भी मुस्लिम उम्मीदवार चाहिए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी दरख्वास्त गुजार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से उनका ताल्लुक़ होना चाहिए। और ये इसका भी जो एप्लीकेशन है वो वेबसाइट पर अवेलेबल है, जो वेबसाइट है www.hajcommittee.gov.in /deputation पर ये सारे तफसीलात आपको मौजूद हैं। इंशाल्लाह उससे आप तफसीलात हासिल कर सकते हैं। जो डॉक्टर्स के लिए कम से कम MBBS डिग्री होना ज़रूरी है, और इस डिप्यूटेशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 24 जनवरी आखिरी तारीख है, जिसके बाद हार्ड कापी दाखिल करने के लिए 10 फरवरी आखिरी तारीख है। डॉक्टर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन MBBS होना चाहिए, और वो मेडिकली फिट होना चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स, और उनको ख़ासतौर पर SSC मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी डेट ऑफ बर्थ के लिए दाखिल करना ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरे सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। इसमें आप आयुर्वेदिक यूनानी जो डॉक्टर्स हैं और ख़ासतौर पर डेंटल के, ये लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, बाकी दूसरे गवर्नमेंट डॉक्टर्स एलिजिबल हैं। और ये सारी तफसीलात आप वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। मैं तमाम उम्मीदवारों से ख्वाहिश करता हूँ कि वेबसाइट से तफसीलात देख लें, और इन टाइम वो अपना अपना दरख्वास्त लें। पैरामेडिकल में नर्सेज भी आते हैं ना उसमें? पैरामेडिकल में नर्सेज, वो पूरा वेबसाइट बेंच का बंच है, वो पूरा बहुत डिटेल्स है।